एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप एक मंगलवार यानी कि एक ट्यूसडे को करते हैं और दूसरे ट्यूसडे तक आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाती है। अगर आपकी इच्छा बहुत लंबी है तो कॉन्टीन्यूसली आपको इसको 4 ट्यूसडे तक करना है, अदरवाइज़ ये आपके पहले ट्यूसडे से दूसरे ट्यूसडे तक आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हनुमान जी के कुछ ऐसे उपाय। क्या आप जानते हैं हनुमान जी के उपाय करने से आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है? हनुमान जी का उपाय करते ही आपकी लाइफ की सारी ऑब्स्टिकल्स खत्म हो सकती हैं। हनुमान जी को कहा जाता है हनुमान जी हमारी सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और हमारे विशेज़ को बहुत जल्दी पूरी करते हैं। तो अगर इनको हम विधि विधान के साथ और अच्छी तरीके से पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, तो इनके रिजल्ट्स हमें ज़रूर मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे उपाय जिनको आप पहले मंगलवार करेंगे और दूसरे मंगलवार के अंदर आपको यानी कि within 7 days आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा, बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शाली गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको, मेरा आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ ही, आप यूँ हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ हनुमान जी के उपाय, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर नहीं शेयर करती, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जितने भी नंबर्स हैं उनको देख कर कॉल मत कीजिए, इससे आपके पैसे लॉस हो सकता है। तो अब मैं बताने जाने वाली हूँ आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे उपाय जिसे करते ही आपकी बहुत सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में कलेश रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, बेवजह वास्तु दोष भी रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी घर बने हुए हैं और किसी को वास्तु दोष की इतनी नॉलेज नहीं होती कि किस हिसाब से बनाना है। उस वजह से घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी विशेष को लेकर बैठे हैं और उनकी विशेष पूरी नहीं हो रही है। बहुत से उपाय कर लिए हैं बट अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत अच्छे अच्छे मैजिकल उपाय। तो सबसे पहले उपाय नोट कर लीजिए, आपको करना है सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डालनी है और ये आपको हनुमान जी के आगे चलाना है। आप अपने घर में भी जला सकते हैं या किसी हनुमान मंदिर पर भी जला सकते हैं। ट्यूसडे के दिन जलाना है, इससे आपके लाइफ के जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय है, अगर आपका बुरा समय चल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा, आपको क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है यानी कि एक ब्राउन वाला जो नारियल होता है वो लेना है, जो छिलके के साथ होता है, उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और ये आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। ध्यान से सुनिए, हनुमान जी के मंदिर में आपको जाकर चढ़ाना है। बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं हम हनुमान जी को टच नहीं करते, हमारे मंदिर में नहीं किया जाता, तो आप मंदिर के बाहर भी रख सकते हैं, आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। उसके बाद आप वो नारियल आपने वहीं रखना है, ऐसा आपको 4 ट्यूसडे करना है। तो आपका जो बुरे समय है वो पहले ट्यूसडे से ही आप देखेंगे बहुत ही बदलाव आ जाएगा, आपका बुरा समय ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा समय आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली विश फुलफिलमेंट उपाय, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए, चाहे वो विश किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो सबसे पहली विश फुलफिलमेंट रेमेडी ये है कि आपको भगवान हनुमान जी को पान चढ़ाना है। जी हाँ, पान आपको उन्हें शाम को भी चढ़ा सकते हैं, सुबह भी चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको उनको मीठा पान लगा के उनके यहाँ देना है, ऐसा आपको 4 ट्यूसडे तक करना है। अगर आपकी विश छोटी है, सपोज़ इंटरव्यू क्रैक करने की है, जॉब मिलने की है, मम्मी पापा को मनाने की है शादी की, या पार्टनर से कमिटमेंट की है, या पार्टनर बात नहीं कर रहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए, तो वो सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। बट अगर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट लेट आने वाला है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, डोंट वरी। बट आपको ये 4 ट्यूसडे तक आपको कंटिन्यू करना ही करना है, यानी कि ये पान आपको चढ़ाना ही है और ये आपको मंदिर में जाकर कराना है, अपने घर में ये वाली रेमेडी आपने नहीं करनी। चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी रेमेडी है, एक सिंदूर लेना है, यानी कि ऑरेंज सिंदूर आपको मार्केट में मिल जाएगा और चमेली का तेल आराम से मिल जाएगा, इसको मिक्स कर आपको भगवान जी को लगाना है और ये भी हर ट्यूसडे करना है। 4 ट्यूसडे तक आप करेंगे, पर आपको इसका रिजल्ट भी पहले ट्यूसडे के बाद देखना मिल जाएगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी जो भी विश है वो पहले ट्यूसडे से लेकर दूसरे ट्यूसडे के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय ये है, आपको कॉन्टीन्यूसली 4 ट्यूसडे आपको 7 बारी हनुमान चालीसा बोलना है, यानी कि एक ट्यूसडे आपको हनुमान चालीसा बोलना है, फिर 7 टाइम्स बोलना है, ये 7 बारी बोलना है। कोशिश कीजिएगा एक बार बैठकर ही इसको कंप्लीट कर लें। और भगवान के आगे आपको दिया जलाना है, दिया आपको सरसों के तेल का जलाना है, उसमें 2 लौंग डालेंगे, उसके बाद आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, थोड़ा सा मीठा भोग भगवान को लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे को भी ऐसे ही करेंगे, फिर 3rd ट्यूसडे को भी ऐसे ही करेंगे, 4th ट्यूसडे को भी ऐसे ही करेंगे। ये उपाय आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहाकर इस उपाय को करना है,
जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं आपको दो तीन चीज़ें अवॉइड करनी है। एक नॉनवेज नहीं खाना है, शराब बिल्कुल नहीं पीना है, यानी कि अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना है। तो अब जैसे कि शराब स्टार्ट हो गए, ये उपाय आप अभी भी कर सकते हैं, इस ट्यूजडे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके स्टार्ट होने वाले हैं नवरात्रे। तो बहुत से लोग ये सारी चीज़ें इन दिनों पर नहीं खाते हैं, तो कोशिश कीजिए आप इस समय पर ये उपाय कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आपकी चाहे पैसे से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या हेल्थ से रिलेटेड हो, या कोई भी और अन्य आपकी विश हो, कोई भी अदर विश हो, वो ज़रूर की ज़रूर पूरी होगी। इस वीडियो को बहुत से सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं वो अपनी विश पूरी करने के लिए, काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किया है, बट अब आप ये ज़रूर करके देखिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।